गाइज वेलकम बैक टू माई अनदर चैनल। आज मैं बिल्कुल सामने आके आज मैं ब्लॉग नहीं बना रही, आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोगों को दिखाने और बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं खुद सर्च करके आपको दिखा देती हूँ और वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि शायद ही किसी को इस न्यूज़ के बारे में पता चला होगा। और अगर पता था आपको तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको मेरे से पहले पता था। बाकी ये चीज़ मैं तो देख के हैरान हो गई, मतलब ऐसा भी कुछ हो सकता है? कभी हमारे माइंड में ये चीज़ आई है या आपके आई है? कभी नहीं आई होगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, दिखा देते हैं आपको। और यस, ये आप लोगों के लिए, सबके लिए, ये करंट अफेयर का भी पार्ट बन सकता है, तो डेफिनेटली आप इसे थोड़ा सा पढ़िए। पता नहीं ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा, आई थिंक अब दिख रहा है। हाँ ऐसे दिख रहा है। ऐसे कैसे दिखाऊं यार मैं, चलो दिख गया होगा, नहीं दिख रहा है मैं रीड करके बताने वाली हूँ। वैसे भी ये बस टाइटल है। तो स्वीडन सभी जानते होंगे, एक कंट्री है जहाँ पे सेक्स को स्पोर्ट्स बनाने को बोला गया है। वो सेक्स को स्पोर्ट्स बनाना चाहते हैं, यानी कि खेल कूद में इंक्लूड करना चाहते हैं। तो ये मैं पढ़ के बताती हूँ आपको पूरा अच्छे से, क्या कुछ इन्होंने अपना इसको बनाने के लिए क्या क्या एक होता है ना क्राइटेरिया, प्रोसीजर, वो क्या कुछ रखा है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, वीडियो के लास्ट में भी बताऊँगी कि ये रियल है या फेक न्यूज़ है, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। ये मैंने लिंक फाइनली, अब हम ये आर्टिकल पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो, ऐसा तो नहीं दिखेगा। एनीवेज चलो पढ़ते हैं, पढ़ के बता देती हूँ आपको। स्वीडन बिकम द फर्स्ट कंट्री जो रिकॉग्नाइज करती है सेक्स को एज अ स्पोर्ट, इंक्लूड करती है टू सेट टू होल्ड अ सेक्स चैंपियनशिप। देयर इज अ ट्विस्ट, अ रिपोर्ट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया that Sweden has officially announced sex as a sport. The report states that the country has become the first nation to register sex as a report and that it will also hold the first ever European sex championship. To kahan pe the? First ever European sex championship Gothenburg on 8th of June. सिक्स वीक लॉन्ग कॉम्पिटिशन, छः हफ्तों का कॉम्पिटिशन होगा जो कि स्वीडिश सेक्स फेडरेशन गाइडेंस में होगा। द रिपोर्ट ऑल्सो स्वीडिश, ये सब तो सेक्सुअल एक्टिविटी अंडर 16 डिसिप्लिन्स होने वाले हैं इसके, इसमें वुड इंक्लूड सिक्स वीक लॉन्ग चैम्पियनशिप होने वाली है जिसमें कि 6 डिसिप्लिन बताए हुए हैं इन्होंने। ओरल सेक्स, पेनिट्रेशन, एंड्योरेंस, बॉडी मसाज, फोर प्ले, एक्सप्लोरिंग एरोटिक जोन्स एंड मोर, और भी हो सकते हैं। और इसमें हम मेन पॉइंट इसके पढ़ लेते हैं जो कि 6 आवर्स के एक दिन में 6 घंटे का सेशन होने वाला है, जिसमें कि जो विद इंडिविजुअल मैच, जो एक मैच होगा वो 40 to 60 मिनट्स का होगा। और अकॉर्डिंग टू 20 पीपल डिफरेंट कंट्रीज के होंगे जो पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, और 3 जजेस होंगे जो डिसाइड करेंगे इस चैम्पियनशिप का विनर कौन होगा। और सेवरल एक्टिविटीज डिसाइड होंगी जैसे कि बिटवीन द कपल नॉलेज एंड केमिस्ट्री बिटवीन द कपल नॉलेज अबाउट द सेक्स एंडोरेंस लेवल ETC। और एक पॉइंट और है कि कामा सूत्र की नॉलेज भी होनी चाहिए। इन्होंने ऐड किया है कपल्स को कामा सूत्र को की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको कामा सूत्र की नॉलेज होगी उसको एक्स्ट्रा पॉइंट यानी कि बोनस पॉइंट मिलेंगे।
एंड फाइनली लास्टली इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि ये एक रिपोर्ट लगाई गई थी बट इसको रिजेक्ट कर दिया है, इसको फाइनली अप्रूवल नहीं मिला है कि इसको स्पोर्ट बनाया जाएगा या एज अ स्पोर्ट्स सेक्स को कंसिडर किया जाएगा, ये बिल्कुल ही डिनाइड हो चुका है। तो अब ये इसका जो फाइनल इसमें कंक्लूजन और रिजल्ट दिखाया गया वो यही कि स्पोर्ट नहीं माना जाएगा। वैसे मैंने ये रात में ये न्यूज़ सुनी क्या देखी थी, कहीं पढ़ी, तो एकदम से ऐसा लगा कि मतलब क्या सोच के, बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्या सच में सेक्स को स्पोर्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए, बना देना चाहिए, स्वीडन ने सही डिसीजन लिया या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं कल के ब्लॉग और वीडियो में, बाय।